सालासर तमरा गांव में श्रीकृष्ण गोपाल गौशाला परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन की कथा में भगवान श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर आचार्य रामेश्वर महाराज जयपुर ने कहा कि जब पृथ्वी पापियों का बोझ सहन नहीं कर पा रही थी, तब सभी देवता ब्रह्मा जी व शिव के साथ क्षीर सागर में भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान श्री हरि से प्रसन्न होकर देवताओं को बताया कि मैं वासुदेव व देवकी के घर कृष्ण रूप में जन्म लूंगा और वृंदावन में माँ यशोदा व नंद बाबा के घर बाल लीलाएं करूंगा, इसलिए आप सब भी उस समय धरती पर किसी न किसी रूप में उपस्थित रहना। आचार्य राजेश्वर महाराज ने बताया कि जब भगवान ने पृथ्वी पर श्री कृष्ण अवतार धारण किया, तब सभी देवता और स्वयं ब्रह्मा व शिव जी भी भगवान की लीलाओं के साक्षी बने। उन्होंने बताया कि इस तरह जब भी पृथ्वी पर कहीं भी भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो ये सब देवी देवता भी वहाँ अवश्य आते हैं और भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। आचार्य राजेश्वर महाराज ने कहा कि जब भगवान ने कृष्ण जन्म लिया, तब पृथ्वी पर न जाने कितने जन्मों से जीव भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी तरह जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है और उस जन्मोत्सव में जो लोग भाग लेते हैं वो कोई साधारण जीव नहीं होते, वो बहुत पुण्यात्मा होते हैं। मनोज नवहाल ने बताया कि 5वें दिन की कथा में 15 यजमानों नमथल पिपलवा, हरिराम पिपलवा, कुनड़ पिपलवा, हरिनारायण पिपलवा, श्रेयांश पिपलवा, मनोज इंदौरिया, नेमीचंद नवहाल, राकेश स्वामी, गोपाल गुर्जर, महेंद्र नवहाल, रघुनाथ सिंह जोधा, मास्टर जी भवर गुड़ेलिया, जगदीश गुड़ेलिया, रतनलाल नवहाल, वासुदेव नवहाल, कमल नवहाल, नंदकिशोर नवहाल के तौर पर आरती की रस्म अदा कर महाराज ने सुखमय भक्तिपूर्ण जीवन का आशीर्वाद दिया।